बट ये जो मन है ना गैस, ये जो अपने बोलते ना अपने अंदर की आवाज़ है ना, वो कंपेयर ज़रूर करता है। और समटाइम्स मैं बताऊँ तो मैं उस चीज़ को अच्छा भी मानता हूँ कि कंपेयर करना भी चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए बड़े नाम किताबों में पढ़ना, फिल्में देखना, स्टेटस देखना, वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, मोटिवेशन सुनना, गाइस वो उस टाइम तक तो आपको याद रहती हैं, उस टाइम तक आपको लगेगा आप फोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, बट जैसे ही वो ख़त्म होता है ना तो फिर से आपकी वही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके उसी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है गाइस। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी अपनी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ जो कि शायद आपके स्टोरी से कनेक्ट हो जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लाइफ में जॉब कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी लाइफ सक्सेस बनाने के लिए आप हर एक पल मेहनत कर रहे हो ना, आपकी भी एक स्टोरी होती है गाइस, सबकी एक स्टोरी होती है। बट उस स्टोरी को कॉमन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कनेक्ट हो जाओगे। क्या होता है ना गाइस कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट, आपको एक साल हुआ, दो साल हुआ, कभी कभी होता है कि आपके क्लास में आपके बैचमेट या आपके जो और भी लोग होते हैं ना, उनको जल्दी से सक्सेस मिल जाता है। इवन मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों को तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था तो मेरे साथ में एक लड़का था गाइस, और उस टाइम पे क्लास ट्वेल्थ में ही उसने मतलब ट्वेल्थ पढ़ते पढ़ते ना उसने एनडीए का पेपर दिया था गाइस, और ट्वेल्थ पास होने के साथ ही वो एनडीए एकेडमी में मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट हो गया। अब आप सोचो कि उसकी सक्सेस का मतलब अगर मैं बताऊं तो गाइस उसने तुरंत पढ़ाई से ही सक्सेस मिल गया उसको, राइट। तो उस टाइम पे यार हमें अंदर से बहुत ज्वेलसी होती थी, बहुत फील होता था कि यार मतलब ये तो यहाँ पर चला गया। खैर उस समय इतना वो भी नहीं था, वो अपनी लाइफ में चला गया। फिर हम ग्रेजुएशन करने गए गाइस, जब इंजीनियरिंग करने पहुँचे तो हमने देखा कि यार यहाँ पे तो अपनी कोई पोजीशन ही नहीं होगी गाइस, क्योंकि जब आप कभी किसी छोटे शहर से निकल के और किसी बड़े शहर में जाते हो पढ़ने के लिए, और मतलब कहते हैं ना कि थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पास आउट होने के बाद में और आप जब थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कॉम्पिटिट करने पहुँच जाते हो, तो कॉम्पिटिट तो छोड़ दो, आपके अंदर ये होता है कि पता नहीं यार मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। दौड़ने की तो बात छोड़ो गाइस, कंपटीशन तो तब होता है, कंपटीशन और बराबरी तो दो बराबर वालों में होती है गाइस। हम तो उस लेवल पे थे कि जहाँ पे हम बराबरी तो छोड़ दो, केवल सर्वाइव करना चाह रहे थे कि बस हम किसी तरह इस नोएडा जैसे सिटी में सर्वाइव कर जाएं गाइस। फिर हुआ क्या, मैं आपको बहुत जनरल बातें बता रहा हूँ, शायद आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही होगी या चलने वाली होगी, तो शायद आपको कुछ सीख मिल जाए। फिर हुआ क्या गाइस, बीटेक हो गई। बीटेक के बाद में बहुत जल्दी से बहुत लोगों की जॉब लग गई, और इत्तेफाक हम लोग की किस्मत इतनी ख़राब थी गाइस, उस समय रिसेशन आ गया था एक से डेढ़ साल का। मैं आपको बताऊं, हमने जैसे तैसे किसी तरीके से छोटी मोटी नौकरी करना स्टार्ट किया, और इंटरव्यू देने जाते थे गाइस तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पहले तो हमें बराबरी तो छोड़ दी।